न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मंजुल मंजरी और अब बात करते हैं खबरों की। राजधानी पटना के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। इस दौरान उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान पर बातचीत की, साथ ही उन्होंने इस बार के बजट की भी प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि इस बार बजट सभी के हित में है। इस बजट में इस बात का दर्शन है कि हमें भारत को स्वच्छ बनाने की दिशा में और काम करना और केंद्र सरकार ने इस पर पहल किया है। दूसरा, हमें स्वच्छ जल देना है भारत के लोगों को, सेफ ड्रिंकिंग वाटर विच इज क्लीन, उस दिशा में प्रयास किया गया है। तीसरा है, हमें स्वच्छता की ओर और ध्यान देना है, अर्बन क्षेत्र में बाकी क्षेत्र में जो वेस्ट आते हैं उसको ठीक करना, उसका हम कोरोना की चुनौतियों से जूझे। तो पहला संकल्प है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के द्वारा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उत्कर्ष है फोन लाइन पर। उत्कर्ष, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है, किन किन मुद्दों पर चर्चा की? जी हाँ मंजुल, जिस प्रकार से बिहार से जो सांसद आते हैं और भारत के केंद्र मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, उन्होंने बिहार भाजपा कार्यालय में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने बिहार सहित भारत के लिए जो बजट बनाया गया है 2021-22 का, उसके बारे में वर्णन किया और साथ ही साथ बिहार और भारत में जो कोविड वैक्सीन है उसको लेकर भी चर्चा की। मंजुल, बजट जिसकी जब लगातार हर जगह किरकिरी हो रही है, आलोचना हो रही है, बजट पे क्या कुछ कहा केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने? यहाँ बजट पे लेके उन्होंने सबसे पहला जो उनका जो विषय था वो कोविड वैक्सीन को लेके था। उन्होंने साफ तौर पे कहा, जो एक तरफ विपक्ष है वो कह रहे थे कि जो कोविड वैक्सीन है वो भाजपा का वैक्सीन है, इसे हम नहीं लगाएंगे, उसे बिहार भारत तो छोड़ बाकी देशों ने भी अपनाया और लगातार जो मांगे हैं उन्हें बढ़ गई है जो वैक्सीन है। और साथ ही साथ उन्होंने IT को लेकर भी काफी बड़े बात किए। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 2020 जब कोरोना काल चल रहा था तो भी भारत में इकोनॉमी बढ़ाने के लिए IT सेक्टर की तरफ से नए नए स्मार्टफोन्स की कंपनियों का आगमन हुआ, जिसकी वजह से बिहार और भारत में जितने भी GST जो आई है और जो पैसे हैं वो वहीं से आए हैं। मंजुल, उत्कर्ष, कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर देश भर में चर्चा हो रही है और केंद्र सरकार की किरकिरी भी हो रही है, जैसे किसान आंदोलन हो गया जिस पर चक्का जाम भी हुआ था, क्या इस मुद्दे पर चर्चा की रविशंकर प्रसाद ने? जो किसान मुद्दे हैं उसको लेकर काफी बचते हुए नजर आए केंद्र मंत्री, पर साथ ही साथ उन्होंने एक घोषणा भी की है। उन्होंने राम मंदिर की लेकर राम मंदिर ट्रस्ट को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने 11 लाख रुपए का चंदा दिया है और साथ ही साथ कहा है कि मैं बिहार से आता हूं, मैं यहां का सांसद भी हूं, इसलिए मैं मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपने अकाउंट से जो राम जन्मभूमि है उसको लेकर मैं 11 लाख रुपए चंदा देता हूं। मंजुल, आखिरी सवाल उत्कर्ष आपसे, बंगाल में चुनाव और बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव की भी चर्चा की गई क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान? बंगाल चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ एक शब्द बोले। उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया कि जितने भी जो चाय बगान में बिहार या झारखंड के लोग काम करते हैं उनको लेकर एक अलग से उन्होंने ये पैसे का बात किया, जो पैसे आएंगे जो सरकार की तरफ से फंड मिल रहा है वो करीब 50,000 करोड़ का है। जो टी बगान में काम करते हैं तो कहीं ना कहीं वो बंगाल की तरफ वो इशारा तो जरूर कर रहे थे। जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका उत्कर्ष। तो आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बिहार बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने बजट पर चर्चा की, साथ ही स्वच्छ भारत अभियान के मुद्दों पर भी चर्चा की, हालांकि किसान आंदोलन के मुद्दों पर वो बचते नजर आए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।